14 जून 2018 पुलवामा में स्थित भारतीय सेना के कैंप से 25 साल का जवान अपने घर पुंछ के लिए रवाना होता है। पुलवामा से पुंछ की दूरी है 142 किलोमीटर। समय लगता है बाय रोड करीब 5 घंटे क्योंकि पहाड़ी इलाका है। उधर घर पर सभी लोग जवान का इंतजार कर रहे थे। सोचा था कि इस बार बेटा घर आएगा तो साथ मिलकर त्यौहार मनाएंगे, लेकिन सफर में लगने वाले समय से ज्यादा वक्त गुजर गया था। घर वालों के माथे पर अब शिकन की लकीर और भी ज्यादा गहरी होने लगी थी और जिस अनहोनी का डर था आखिरकार वही हुआ। पता चला कि उस जवान को रास्ते में ही हथियारबंद आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है और 2 दिन बाद जवान औरंगजेब को आतंकियों ने गोली मार दी। शहीद के घर जब ये खबर पहुंची तो गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ एक ही मांग थी, एक के बदले हमें पाकिस्तान के उन भाड़े के टट्टुओं के 100 सिर चाहिए। इस बीच एक वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती है। वीडियो में एक लंबी दाढ़ी और लंबे बाल वाला शख्स दिखाई देता है। हालत से लगता है कि उसके साथ बहुत मारपीट और बर्बरता की गई थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ का एक जर्रा भी नहीं था। बेखौफ, निडर, वो आतंकियों की हर बात का जवाब दे रहा था। आतंकी पूछता है, तू शुक्ला के साथ था? हाँ, मैं मेजर शुक्ला के साथ था, औरंगजेब जवाब देता है। आतंकी फिर पूछता है, तू समीर टाइगर के एनकाउंटर में शुक्ला के साथ था? जवान आंख में आंख डालकर फिर से कहता है, हाँ मैं था। किसकी तरह शुक्ला से घूमते तू? मैं जरूर शुक्ला के साथ। हाँ, तो सेवन में तू ही जाते ना? जी हाँ, चार मोहम्मद भाई के एनकाउंटर में तू ही था? वसीम, मोहम्मद वसीम कला। हाँ मैंने था। इन्फॉर्मेशन किसकी? कला लोगों का एनकाउंटर तूने किया? जी। कहते हैं ये वीडियो आतंकियों ने शहीद औरंगजेब को ऐसा माना जाता है कि ये वीडियो आतंकियों ने शहीद औरंगजेब को मारने से कुछ मिनट पहले ही बनाया था। लेकिन सवाल अब यहां ये उठता है कि इस जवान को अगवा क्या जानने के लिए किया गया था और ये मेजर शुक्ला कौन है? मेजर शुक्ला और हिजबुल आतंकी समीर टाइगर का क्या कनेक्शन? आखिर आतंकी मेजर शुक्ला से इतना खौफ क्यों खाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस घटना से पहले क्या हुआ वो जानना होगा। दरअसल एक खूंखार आतंकवादी हुआ करता था घाटी में, नाम था समीर टाइगर। वैसे तो ये सब गीदड़ी हैं, बस नाम के आगे टाइगर लगा लेते हैं और जब भारतीय सेना के असली शेरों से इनका पाला पड़ता है तो गीदड़ की मौत ये मारे जाते हैं। ऐसा ही एक शेर भारतीय सेना के 44 RR में भी है। नाम पुकारते सब लोग मेजर शुक्ला है, लेकिन पूरा नाम है मेजर रोहित शुक्ला। इनका रोज का काम है आतंकवादियों को उनके बिलों से घसीट कर बाहर लाना और जहन्नुम के लिए रवाना कर देना। कुछ आतंकियों की तो पैंट तक गीली हो जाती है मेजर रोहित शुक्ला का नाम सुनते ही। उधर आतंकी समीर टाइगर का आतंक बढ़ता जा रहा था। किसी भी गांव में घुसकर मासूम लोगों को पीटना और सुरक्षा बलों पर हमले करने के बाद उसका वीडियो वायरल करना हिजबुल मुजाहिदीन के इस कमांडर समीर टाइगर का शौक बन गया था। हिंसक तत्वों की आड़ में अक्सर मुठभेड़ के दौरान बच निकलने वाले दुर्दांत समीर टाइगर का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन पहले ही उसने सुरक्षा बलों के साथ काम करने वाले एक स्थानीय युवक की पिटाई करते हुए उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो में समीर टाइगर युवक को कह रहा है कि वो 44 RR के मेजर रोहित शुक्ला को जाकर कहे कि अगर दम है तो सामने आकर दिखाए, शेर जंगल में खुला घूम रहा है। शुक्ला को कहना, शेर ने शिकार करना क्या छोड़ा, कुत्तों ने समझा जंगल हमारा है। बिल्कुल। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया ना, उसको कहो सामने आ जा। रविवार शाम को ये वीडियो वायरल हुआ और सोमवार सुबह मेजर रोहित शुक्ला के दस्ते ने उसी घर में जो कि पुलवामा में था वहीं उसे घेर लिया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आतंकी समीर टाइगर का भारतीय सेना के रणबांकुरे मेजर रोहित शुक्ला ने क्या हश्र किया, आपको आतंकी समीर टाइगर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। समीर टाइगर ने पूर्व विधायक और मंत्री शहीद बशीर अहमद के घर में और पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमले की कई वारदातों को अंजाम दिया था। इसके अलावा उसने कई नागरिकों को सुरक्षा बलों का मुखबिर होने के संदेह में पीटा और कई को अगवा भी किया। ये वही समीर टाइगर है जिसने कसबयार पुलवामा के 2 युवकों बशीर अहमद डार और अल्ताफ अहमद डार को भी अगवा किया था। अल्ताफ को जहां जख्मी हालत में जिंदा छोड़ दिया गया वहीं बशीर की मौत हो गई थी। बीते साल उसने 44 RR के एक गश्ती दल पर भी घात लगाकर हमला किया था।
लेकिन जवाबी कार्रवाई पर भाग निकला था। इसके बाद उसने कई लोगों के घरों में दाखिल होकर उन्हें पीटा था, उनसे सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान दिलाते हुए उनके वीडियो भी जारी किए थे। आतंकी समीर टाइगर को जैश मोहम्मद ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, सोपिया और बड़गांव में अपना आधार बनाने और नए लड़कों को अपने आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए पोस्टर बॉय के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। तारीख थी 7 अप्रैल 2016। घर से गायब होकर आतंकी संगठन में ये सक्रिय होने से पहले 2014 में वो न सिर्फ हिजबुल के लिए ओवरग्राउंड वर्कर का काम करता था, बल्कि पत्थरबाजी में भी ये सबसे आगे नजर आता था। शुरू में कुछ महीने वो हिजबुल के साथ ही रहा, लेकिन जल्द ही वो उसे जैश ने अपने साथ मिला लिया। सेना की विक्टर फोर्स के एक अधिकारी के अनुसार, कश्मीर में जब सरहद पार से कोई बड़ा नामी आतंकी, उसका कमांडर आता, तो समीर टाइगर अक्सर उसके साथ ही दिखाई देता था। सरहद पार से जब बीते साल नाटो सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार की खेप पहुंची, तो समीर टाइगर के कंधे पर ही सबसे पहले M16 कार्बाइन लटकी नजर आई। इस अमेरिकी राइफल संग उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसी साल फरवरी में जब श्रीनगर की जेल से पाकिस्तानी आतंकी नवीद भट्ट भागा, तो समीर की उसके साथ भी तस्वीरें वायरल हुई थी। उसके ठीक पहले वाले साल नवंबर में अगलरकंडी इलाके में जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के भतीजे समेत 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद उसने दोबारा जैश का दामन छोड़कर हिजबुल का दामन थाम लिया था। तो ये थी आतंकी समीर टाइगर की कुंडली। अब एनकाउंटर वाले दिन पर वापस आ जाते हैं, जब मेजर शुक्ला और उनके साथी जाबाजों ने विश्वसनीय सूत्रों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर आतंकी समीर को घेर लिया, तो बचने के लिए उसने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। आतंकी समीर लगातार घर में छुपकर अपने साथियों के साथ कभी हैंड ग्रेनेड तो कभी गोलियों की बौछार से सेना के जवानों को रोकने की कोशिश करता रहता। मेजर रोहित शुक्ला टीम को लीड करते हुए लगातार जवाबी फायरिंग कर रहे थे, साथ ही अपने साथियों की सुरक्षा का भी जिम्मा इस वक्त मेजर के कंधों पर ही था। तभी एक गोली मेजर शुक्ला के बाजू में आकर लगती है। वो घायल अवस्था में भी हौसला नहीं छोड़ते, उन्हें वहां से निकलने के लिए कहा जाता है, वो मना कर देते हैं। उन्होंने मुठभेड़ स्थल से हटने से इनकार करते हुए कहा कि पहले मैं समीर टाइगर का काम तमाम कर लूं, तब मैं यहां से जाऊंगा, और वो अपनी टीम का नेतृत्व करना जारी रखते हैं। कुछ ही देर में मेजर शुक्ला और उनकी टीम के सदस्य उस घर को ही आग के हवाले कर देते हैं जिसमें आतंकी छुपा हुआ था। यह तरीका कारगर साबित हुआ और आतंकी छटपटा कर घर से बाहर कूद कर गोलियां चलाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले से ही पोजीशन लिए हुए भारतीय सेना के मेजर रोहित शुक्ला और उनके साथी आतंकियों का काल बनकर वहीं पर खड़े थे। जैसे ही आतंकियों ने घर के बाहर भागने की कोशिश की, तभी मेजर शुक्ला और उनके दस्ते ने एक आतंकी वहीं मौके पर ही ढेर कर दिया। बाद में आतंकी समीर टाइगर को भी सेना के शेरों ने ढेर कर दिया। कुल मिलाकर आधे घंटे में ही आतंकी समीर टाइगर और उसके एक साथी आकिब खान को ढेर कर मेजर रोहित शुक्ला और उनके साथी जवानों ने बता दिया कि भारतीय सेना शेर की खाल में कायर गीदड़ों का शिकार करना जानती है। जो समीर टाइगर कल तक गीदड़ भमकी दे रहा था, आज उसका पाला असली शेरों से पड़ गया था, जिन्होंने आतंकी समीर के चीथड़े उड़ा दिए। और इसी एनकाउंटर में एक और शूरवीर था जो मेजर रोहित शुक्ला के साथ हर वक्त साये की तरह रह रहा था। वो थे जवान औरंगजेब, जिन्हें आतंकियों ने जब आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा पाया, तो उन्हें कायरों की भांति पहले छिपकर अगवा किया गया और फिर धोखे से मार दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद मेजर रोहित शुक्ला को उनकी बहादुरी, वीरता, शौर्य, पराक्रम और साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं दुश्मन की आंख में आंख डालकर मौत के सामने खड़े हुए जवान औरंगजेब को उनके साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वाकई में ऐसी कहानियां उन तमाम युवाओं के दिलों में देश पर मर मिटने का जज्बा भर जाती है। धन्य है ये धरा जो इस मिट्टी से ऐसे सूरमाओं को जन्म देती है। नमन है उन तमाम सैनिकों के बलिदान को जिन्होंने हमारे और आपके लिए इस देश पर कुर्बान होना मंजूर किया। इस देश का कण कण सदैव आपके बलिदान का ऋणी रहेगा और शिवालिक जर्नल ये प्रयास करता रहेगा कि सेना के रणबांकुरों की ये शौर्य गाथा हम आप तक हर पल हर वक्त पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।